जिनके हो हौसले बुलंद उसको आसमानों से नीचे उतारेगा कौन, और हारने का जब तक नहीं चखते स्वाद तब तक जीतने का मजा आएगा नहीं भैया। कोलकाता के फैंस आ गए हैं ना तो वॉच पूरा वॉच कीजिए, मजा आएगा, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ भैया, पूरा वॉच कीजिए। आज हम लोग परेशेंगे थोड़ा अपडेट्स के ऊपर, थोड़ा मिर्ची मसाला टॉप स्ट्रेटेजीज के ऊपर वर्सेज आरसीबी। भैया आरसीबी वाले तो बहुत उछलते हैं, आरसीबी के फैंस भैया उनको थोड़ा चुप कराने के लिए जो स्ट्रेटेजी कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनाना पड़ेगा वो हम आज बोलेंगे बोलेंगे भैया। तो एंड तक बने रहे, और कुछ अपडेट परोसेंगे नीति से आना रिंकू सिंह को लेके, और थोड़ा बहुत गुपचुप करेंगे हम सब भैया। यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस हैं, और कमेंट में हैशटैग दिल से केकर लिख दीजिएगा, हम आप लोगों के कमेंट पढ़ेंगे, इसके अगले वाले वीडियो से कमेंट पढ़ेंगे। आप सभी के कोई क्वेश्चन रिलेटेड केकर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी ड्रॉप कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम बता देंगे अगले वीडियो में। कॉमेंट सब लोगों के पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के जन्म से फैन, जन्म जन्म का साथ है हमारा, लॉयल है एकदम। तो लास्ट बने रहिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स के भाई हैं हम, लाइक जरूर कर दीजिए। और टेम्परेचर बहुत है तो भैया नए हैं जो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अभी मैं कोलकाता में हूं और कोलकाता में टेम्परेचर भैया 40 डिग्री सेंटीग्रेड है भैया, लिटरली मैं बोल रहा हूं 40 डिग्री में पसीना निकल रहा है, फैन वैन बंद करके वीडियो करना पड़ता है वरना तो भैया साउंड आएगा। भैया थोड़ा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया, मेहनत को सपोर्ट कर दीजिएगा भैया, इस भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा। तो अभी आते कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर भैया, ये जो टीम है ना ये एक टीम नहीं है, ये हमारी पूरी कोलकाता के फैंस का इमोशन है, ये जब तक खेलते रहेंगे तब तक हमारी धड़कन चलती रहेगी, क्योंकि हम बसते हैं इनमें, ये बसते हैं हम पे। तो मैंने जो जैसा बोला यहाँ पर, मतलब हार का स्वाद जब तक चखेंगे नहीं जीत का मजा तब तक आएगा नहीं, ये कोलकाता फैंस ऑलरेडी हम जानते हैं, और कोलकाता नाइट राइडर्स इसको अप्लाई करेंगे। रसल ऑलरेडी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, एकदम सब कुछ भूल गए, हारे ना, ठीक है चलिए फिर से बैकअप कर लेंगे। क्या है भैया बहुत हारे हुए मैचेस इन लोगों ने जीता है, रिंकू सिंह ने जीता है, रसल ने जीता है, सुनील नारी ने जीता है, बहुत कुछ यहाँ पर वेंकटेश अय्यर ने भी जीता है, सब ने जीता है, और बहुत जीते हुए मैच जैसे भैया आगे वाला हारे हैं तो छोड़िए, बट इसको सोच के खुश हो जाइए कि सुनील नारिन बढ़िया है, चल रहे हैं पारी में, और ये क्रिस गेल नहीं, ये हमारे सुनील नारिन है, ऑलवेज इन आवर कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के हार्ट में ये बसते रहेंगे, और क्रिकेट का इतिहास इनको शरण करता रहेगा। अभी आए भाई नीतीश राणा के अपडेट को, लेकिन नीतीश राणा के अपडेट को लेके आए तो भैया मुझे लगता है आरसीबी के मैच में उपलब्ध हो जाएंगे, वही तो भैया अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि भैया ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले वाले मैच में देखा था वहां पर उतरे नहीं थे, टी शर्ट पहन के बैठे हुए थे, मतलब वो फिट हैं, हमने ऑलरेडी अपडेट भी दिया था, वो बैक करेंगे मुझे लगता है आरसीबी के मैच में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वेंकी अय्यर को निकाल के या रमनदीप सिंह को निकाल के नीतीश राणा को खिलाएंगे ऑलरेडी के क्या, क्योंकि वह वाइस कैप्टन है, किसने दिन बैठ के रखेंगे, लाएंगे तो जरूर। और रिंकू सिंह के कुछ अपडेट के बारे कर रहे थे हम, तो बोल देते हैं ऑलरेडी वो उनको थोड़ा चोट लगा था, पर खुशी का खबर यह है कि उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है कि आरसीबी मैच में वो पूरा खेलेंगे, पूरा फुल गेम वो खेलेंगे, आरसीबी में मैच में उपलब्ध रहेंगे, थोड़ा सा चोट लगा था ठीक है, मगर वो उपलब्ध रहेंगे, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और भैया अब आ जाते भैया, आरसीबी वाले उतना उछल रहे हो तो थोड़ा बहुत स्टॉप हो जाओ, क्योंकि कोलकाता अभी धाकड़ स्ट्रेटजीज के साथ उतरेगी। पहला स्ट्रेटजी है भैया बॉलिंग वेरिएशन, अभी ईडन गार्डन्स हो या कोई भी मैदान हो, अभी चिना स्वामी चलता नहीं है वो ठीक बात है, मगर ईडन गार्डन्स में बोलूंगा बॉलिंग वेरिएशन, विशेषकर स्पिन बॉलिंग में वेरिएशन लाना चाहिए, और कोलकाता के पास वो क्वालिटी स्पिन है, वरुण चक्रवर्ती है जो इस साल बड़े उतना बेहतर चले नहीं है, पर मुझे लगता है ना कहीं मेरा प्रेडिक्शन है वरुण चक्रवर्ती इस मैच में विकेट ले रहे हैं, एक से ज्यादा ही विकेट ले रहे हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और सुनील नारिन तो है ऑलरेडी, और यहाँ पर सुयश शर्मा को मुझे लगता है खिलाइए ना भैया, थोड़ा खिला के देखिए आप, तो भैया दूसरे गेंदबाजों को खिला रहे हैं, सुनील सुयश शर्मा को खिला के देखिए, सेकंड इनिंग्स में अगर उतरते हैं थोड़ा पिच स्लो होता है तो देखिए खिला के देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आए तो भैया ग्रोथ ऑफ इन फील्डिंग, मैंने बोला था कि गौतम गंभीर भैया ने स्टेटमेंट दिया था कि भैया 3.5-3 घंटे यहाँ पर हम फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, और मुझे लगता है अभी तो 5 घंटे कराएंगे, क्योंकि भैया ऑलरेडी हमने फील्डिंग में फिर भी यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत कमी दिखी हमें ऑलरेडी कोलकाता वर्सेस आरआर के मैच में, हमने देखा कर रहे हैं वो वरुण चक्रवर्ती ने कैच छोड़ा, उनको तो भैया डगआउट में जाके गौतम गंभीर बहुत धो रहे होंगे, छोड़िए भैया क्या ही है भैया दिन खराब गया होगा, मगर फील्डिंग में दिन खराब ये बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, तो ग्रोथ ऑफ इन फील्डिंग करना पड़ेगा। तीसरे नंबर का स्ट्रेटेजी है भैया स्ट्रेटेजी के लिए बैटिंग लाइनअप क्रिएट, एकदम मैं बोलूंगा शेष दहिया थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ा लीजिए तो ये बढ़िया बैट्समैन होकर उतरेंगे, ये तो भैया मुझे लगता है टेस्ट खेल रहे हैं, 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, बॉल तो कमेंट भी कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट बढ़ा लीजिए। और यहां पर मैं बोलूंगा कि रमनदीप या वेंकी अय्यर की जगह नीतीश राणा को चांस दीजिए, मुझे लगता है अगर नीतीश राणा इस मैच में खेलते हैं
तो एक बड़ा स्कोर की संभावना है। सब लोग बोलते कि अभी अभी आ रहे हैं खेलना उठना, पर अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन कोलकाता वालों के लिए मैंने दो प्रेडिक्शन दिए, वो दोनों ही ठीक रहे हैं। आशा करूंगा तीसरा भी ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है नीतीश राणा चल रहे हैं इस मैच में, चल रहे हैं तो 30+ तो स्कोर मुझे लगता है आ रहा है नीतीश राणा। और T20 में 30+ स्कोर, और जो बैट्समैन इतने मैचेस खेला नहीं वो आ रहा है, और 30+ स्कोर T20 में बहुत मायने रखता है। तो मुझे लगता है नीतीश राणा अगर खेलेंगे तो 30+ स्कोर, मुझे इस प्रेडिक्शन को लेके विश्वास है, मुझे लगता है 30+ स्कोर कर रहे हैं ये। ठीक है, यही कुछ स्ट्रेटेजीज थे। यहाँ पर कोलकाता ये अप्लाई करेगी तो वो मेरा डायलॉग जो पहले बोला था, हार का जब तक साथ चखेगा नहीं आनंद का मजा, मतलब जीत का मजा तब तक आएगा नहीं, तो ऑलरेडी आरसीबी को चुप करने का यही एक बेस्ट तरीका होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के पास। और बैक करेंगे, अपने आप को कॉन्टेक्ट रखिए, बड़े बड़े अपडेट्स आते रहेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के, छोटे से बड़े तक अपडेट्स आते रहेंगे। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया, पसीने में भैया पसीना पोछ पोछ के तो वीडियो करना पड़ता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और एक कोलकाता नाइट राइडर्स वाले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।